गेम की सीरीज को शुरू करते हैं और यहाँ पर से दोस्तों जो सबसे पहला गेम निकल के आता है वो है दोस्तों ARK सर्वाइवल इवॉल्व्ड, जो कि ऑलरेडी कंसोल्स और पीसी पे लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पर से दोस्तों आप लोगों को ये गेम देखने के लिए मिल जाएगा एंड्रॉइड डिवाइसेस पे। सो इसकी ग्राफिक्स के बारे में बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हाई है, काफी कमाल का गेम है, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर से दोस्तों आप लोग को एक आइलैंड पे छोड़ा जाता है जहां पर आप लोगों को सर्वाइव करना होगा। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों को इस गेम के अंदर डायनासोर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर से आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं सिर्फ 10 गेम्स ही नहीं आप लोगों को गेम्स के अल्टरनेटिव्स भी बताने वाला हूँ। यानी कि इसी के जैसे अगर आप लोग कोई और गेम खेलना चाहते हैं तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों रेडिएशन आइलैंड, जो कि सिमिलर गेम है, उसके अंदर भी दोस्तों इसी तरह का आप लोगों को एनवायरमेंट देखने के लिए मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये गेम भी पसंद आएगा। तो चलिए खैर आप लोग यहां पर से हम लोग मूव करते हैं हमारे सेकंड गेम की तरफ। दोस्तों हमारे यहां पर जो सेकंड गेम निकल के आता है वो है गॉडफायर राइज ऑफ प्रोमेथियस। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का हाई ग्राफिक गेम है, अगर मैं बात करूं इसके फाइटिंग स्टाइल की, इसके एक्शन की और इसके प्लेयर्स की, बहुत ही हाई ग्राफिक गेम है। दोस्तों अगर आप लोग इस गेम को एंड्रॉइड पर प्ले करते हैं तो आप लोग ऐसा लगेगा आप लोग किसी कंसोल के अंदर फाइटिंग गेम खेल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा गेम है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ कि इस गेम का कौन सा अल्टरनेटिव आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इसका अल्टरनेटिव है आयरन ब्लेड, जो सिमिलर गेम है, बिल्कुल इसी कैटेगरी के अंदर आता है, फाइटिंग गेम है, उसकी ग्राफिक्स भी इसकी टक्कर की है। साथ ही साथ में दोस्तों इसी के जैसा एक और गेम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों गॉड ऑफ रोम्स, जो कि गेम लॉफ्ट का गेम है और आई होप आप सभी लोगों को पता होगा गेम लॉफ्ट के गेम कितने अच्छे होते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग मूव करते हैं यहां पर से हमारे थर्ड गेम की तरफ। सो दोस्तों हमारा जो थर्ड गेम निकल के आता है इस सीरीज का वो एक रेसिंग गेम है और अपने इस कैटेगरी के अंदर वो सबसे सुपीरियर है। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एस्फॉल्ट लाइन लेजेंड्स की, जो कि बहुत ही कमाल का गेम है, काफी अच्छी ग्राफिक्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता है और एंड्रॉइड का नंबर वन रेसिंग गेम भी है। अब बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव्स की, यानी कि अगर आप लोग खेलना चाहें इसी के जैसा कोई और गेम तो वो हो सकता है दोस्तों F1 2016, जो कि सिमिलरली अपने ट्रैक में बहुत ज्यादा सुपीरियर है, काफी अच्छे ट्रैक्स, काफी अच्छी कार्स आप लोगों को वहां पर से देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आप लोग को रियलिस्टिक रेसिंग करनी है तो आप लोग रियल रेसिंग 3 भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए खैर आप लोग यहां पर से हम लोग मूव करते हैं हमारे इस सीरीज के फोर्थ गेम की तरफ। तो दोस्तों हमारे सीरीज का फोर्थ गेम निकल के आता है वो बहुत ही कमाल का एक्शन गेम है। मैं यहां पर से बात कर रहा हूं दोस्तों मॉडर्न कॉम्बैट 5 की। दोस्तों ये एक टाइम पे एंड्रॉइड का नंबर वन मोबाइल गेम रह चुका है, जो कि बहुत अच्छी ग्राफिक्स और स्टोरी लाइन आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। इसी के जैसा दोस्तों आप लोग एक और गेम प्ले कर सकते हैं जिसका नाम है दोस्तों मॉडर्न कॉम्बैट वर्सेस, जो कि एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है। तो यहां पर से दोस्तों हम लोग अपने इस सीरीज के चार गेम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं यहां पर से हमारे फिफ्थ गेम की तरफ। दोस्तों यहां पर से हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है, बहुत ही नया गेम है, धूम मचा रखी है, इस टाइम पे ट्रेंडिंग पे है, बहुत ही कमाल की ग्राफिक्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। गेम का नाम है दोस्तों प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आप सभी के फेवरेट पबजी मोबाइल की। दोस्तों पबजी मोबाइल एक कमाल का बैटल रॉयल गेम है जो कि एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए भी आ चुका है और बहुत ही कमाल का गेम है। ये ऑलरेडी पीसी और कंसोल्स पे आ चुका है तो यहां पर से आप लोगों को एंड्रॉइड पे भी साथ ही साथ में खेलने का मजा मिलता है। अब बात करें इसके अल्टरनेटिव की। सो दोस्तों इसका जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो है दोस्तों फोर्टनाइट, जो ऑलरेडी कंसोल्स और पीसी पे आ चुका है, तो आप लोग उस गेम को भी खेल करके पूरा मजा ले सकते हैं। तो चलिए खैर अब हम लोग यहां पर से मूव करते हैं दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं हाई ग्राफिक गेम्स की एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए और हम लोग पहुंच चुके हैं 5 गेम्स की तरफ। तो चलिए खैर हम लोग मूव करते हैं यहां पर से हमारे 6th गेम की। दोस्तों यहां पर से हमारा जो 6th गेम है वो निकल के आता है मॉर्टल कॉम्बैट एक्स। दोस्तों मॉर्टल कॉम्बैट एक्स PS4 पे भी एक हाई रेटेड हाई ग्राफिक गेम माना जाता है, क्योंकि इसकी जो ग्राफिक्स है बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो आप लोग सोच सकते हैं ये गेम ऑलरेडी एंड्रॉइड पे आ चुका है तो क्या ग्राफिक्स आप लोग को एंड्रॉइड पे देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों बहुत ही अच्छा गेम है, काफी अच्छा स्टोरी लाइन है, इसके एक्शन सीक्वेंस, इसका जो यहाँ पर से आप लोग को फाइटिंग स्टाइल देखने के लिए मिलेगा वो यूनिक है, बहुत ही कमाल के इसके अंदर आप लोग को एक्शन सीन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करें इसके अल्टरनेटिव की, तो दोस्तों आप लोग यहां पर से प्ले कर सकते हैं इनजस्टिस 2 को।
तो आई होप दोस्तों अभी तक आप लोगों को सीरीज में मजा आ रहा होगा, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए खैर आप लोग यहाँ पर से हम लोग मूव करते हैं हमारे सेवेंथ गेम की तरफ। दोस्तों हमारा सेवेंथ गेम निकल के आता है नोवा 3। दोस्तों नोवा 3 जो फ्रीडम एडिशन गेम था, ये बहुत ही कमाल का सुपीरियर लेवल का गेम है। ऑलरेडी ये भी पीसी और कंसोल्स पे आ चुका है, बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स है इसकी और इसके अंदर आप लोग को एक कमाल का इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन देखने के लिए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये गेम अपनी स्टोरी लाइन के लिए जाना जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपस आप लोग को अल्टरनेटिव्स भी बताता रहूंगा, तो इसका अल्टरनेटिव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा नोवा लेगेसी और दोस्तों शैडोगन लेजेंड्स। आप लोग इन गेम्स को भी ट्राई कर सकते हैं, सभी की डाउनलोड लिंक्स आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग मूव करते हैं यहां पर से हमारे एट्थ गेम की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो एट्थ गेम निकल के आता है वो बहुत ही कमाल का फेमस सीरीज का एक गेम है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूं यहां पर से ब्रदर्स इन आर्म्स 3 की। दोस्तों ब्रदर्स इन आर्म्स 3 जब आया था कंसोल्स पे या फिर पीसी पे तो काफी फेमस हुआ था, क्योंकि इसके जैसे बहुत ही सारे गेम ऑलरेडी लोग प्ले कर चुके हैं। और जब ये एंड्रॉयड पे आया तो काफी सारे लोगों ने इस गेम को प्ले भी किया, रैंक भी दिलाई और बहुत ही अच्छा गेम ये अपने टाइम का हुआ था। ये आप लोगों को दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ में इसका स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छा है और काफी अच्छे गन्स आप लोगों को इस गेम के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। अब बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव की। तो दोस्तों इसका अल्टरनेटिव आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इन्फिनिटी ऑप्स, जो कि एक साइंटिफिक FPS गेम है, सिमिलर एनवायरमेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। तो चलिए खैर आप लोग यहां पर से हम लोग मूव करते हैं हमारे सेकंड लास्ट गेम की। जी हाँ दोस्तों, हम सेकंड लास्ट गेम की तरफ पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूं बिना टाइम वेस्ट किए, वो है दोस्तों डेड इफेक्ट 2। दोस्तों डेड इफेक्ट 2 भी ऑलरेडी कंसोल्स और पीसी के ऊपर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक कमाल की ग्राफिक अपने आप में अपने लिए रखता है। जी हाँ दोस्तों, इस गेम को खेल करके आप लोगों को एंड्रॉइड पे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसका जो सिनेमैटिक लुक है, इसकी जो फाइटिंग स्टाइल है, इसके अंदर जो साइंटिफिक गन्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, वो बहुत ही कमाल का एनवायरमेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव की। तो दोस्तों इसका अल्टरनेटिव आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा एंड्रॉइड डिवाइसेस के ऊपर, ब्लैक ऑप्स। दोस्तों मैं कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर से, मैं बात कर रहा हूं एंड्रॉइड के ब्लैक ऑप्स गेम की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फाइटिंग सीक्वल वाला गेम है। तो चलिए खैर दोस्तों, हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने इस सीरीज के लास्ट गेम की तरफ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहां पर से हमारे 10th गेम की तरफ, जो कि निकल के आता है दोस्तों मैडाउ 2 बिग सिटी ऑनलाइन। ये गेम जब आया था दोस्तों तो एंड्रॉइड पे उससे अच्छा कोई भी ओपन वर्ल्ड हाई ग्राफिक गेम मौजूद नहीं था, लेकिन उस टाइम पे लिमिटेड ग्राफिक होने की वजह से सभी यूजर्स इस गेम को प्ले नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये ऑनलाइन गेम है, साथ ही साथ में बहुत अच्छी ग्राफिक्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। दोस्तों ये जो गेम है बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स, स्टाइल, कार्स, एनवायरमेंट, ओपन वर्ल्ड एरिया, फ्री रोमिंग, इतनी सारी की सारी चीजें आप लोगों को इस गेम के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसके अल्टरनेटिव की, तो यहां पर से इसका अल्टरनेटिव आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो एंड्रॉइड पे बहुत ही लिमिटेड ओपन वर्ल्ड गेम्स हैं, लेकिन आप लोगों को इसका अल्टरनेटिव अगर चाहिए तो वो है दोस्तों गैंगस्टर वेगस, या फिर आप लोग गैंगस्टर न्यू ऑरियल्स भी ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की सीरीज पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो जरूर से जरूर अपना रेस्पॉन्स दिखाइए, लाइक करके जाइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक मोटिवेट करता है और नई सी इंटरेस्टिंग इसी तरह की कमाल की वीडियोस को बनाने में। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन सभी को भी पता चले दोस्तों एंड्रॉइड के लिए कितने कमाल के गेम्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप वॉचिंग, प्रोटेक्ट।